यहां से अवनाश जमनाथ जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अविनाश, उदयपुर की क्या कुछ हलचल जो है वो कह रही है छात्र राजनीति को लेकर आज के दिन को, और क्या नामांकन जो है वहां पर हुआ है, क्या कुछ जानकारी अभी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में एबीवीपी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया और अब एनएसयूए के जो प्रत्याशी है मोहित शर्मा वो यहाँ पे नामांकन दाखिल करने के लिए आए हैं। उनसे बात हुई, मोहित नामांकन दाखिल कर दिया है, किस जोश के साथ अब छात्रों से मिलने के लिए? वंदे मातरम। जोश तो जो काम किया इतने सालों तक, जोश तो हमेशा से है और आगे भी रहेगा जोश वैसा का वैसा ही। और अब चुनाव पास में आ गया है तो कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी जोश है और नया एक एनएसयूआई परिवार मिला है तो उनके साथ काम करने में सबको बहुत आनंद आ रहा है और सभी बहुत उत्साहित हैं चुनाव को लेकर और सभी बहुत मजबूती से कार्य कर रहे हैं। किन मुद्दों के साथ जो है वो अब चुनावी मैदान में उतर? डिस्पेंसरी, यूनिवर्सिटी में एक डिस्पेंसरी की बहुत ज़्यादा मांग मुझे नज़र आ रही है क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो डिस्पेंसरी की काफ़ी आवश्यकता है तो डिस्पेंसरी के लिए। और उसके अलावा लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, प्लेसमेंट सेल एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा हमारा। एबीवीपी कार्यकर्ता के रूप में पिछले लंबे समय तक यूनिवर्सिटी में काम किया, अब एनएसयूआई के बैनर तले मैदान में उतरे हैं, क्या लगता है कि वो फायदा मिलेगा या कुछ नुकसान जाएगा, कैसे देखते हो? एक एबीवीपी का आज फायदा तो ये है कि आज एबीवीपी का जो आम कार्यकर्ता है वो मोहित शर्मा के साथ वैसे भी है क्योंकि मैंने पूरे वर्ष भर इन 5 सालों में एबीवीपी के आम कार्यकर्ता उन कार्यकर्ताओं के साथ में साल भर एबीवीपी के मंचों पर कार्य किया तो वो कार्यकर्ता मेरे साथ दिल से है। उसके अलावा मुझे एक नया एनएसयूआई परिवार मिला है और जो मेरी मेहनत है इतने सालों की, तो फायदा तो अवश्य ही है। जीत को लेके 100% आश्वस्त हैं और 100% हम जीतेंगे चुनाव। एक बहुत बड़ी बात होती है कि लिंगदो कमेटी की जो है सिफारिशें हैं, आज नामांकन में तो नज़र आ रहा है कि सब कुछ एकदम अच्छे से हो रहा है लेकिन विश्वविद्यालय की चार दीवारी के बाहर कुछ अलग से माहौल नज़र आ रहा है, उसको लेके क्या कहोगे? ऐसा कोई माहौल हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी लिंगदो कमेटी की हम हमेशा इज्जत करते हैं और इनकी सिफारिशों की कड़ी तरह से पालना करेंगे। तो ये मोहित शर्मा है जिन्होंने एनएसयूए प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया और पूरी तरह से आश्वस्त, बिल्कुल यहाँ आश्वस्त जो है वो नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर और दावा यहाँ पर कहीं ना कहीं करते हुए कि एबीवीपी में भले ही काम किया हो लेकिन एनएसयूए में आकर भी जो है एक बार फिर से जीत उन्हीं के हिस्से आने वाली है। और जयपुर की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई जहां पर एबीवीपी के जो प्रत्याशी हैं अमित वो इस वक्त पर्चा अपना नामांकन यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं। हमारे साथ भवानी भाटी जो है वो भी जुड़ेंगे जहां पर किस तरीके की स्थितियां हैं। वहीं अविनाश यहां पर जानकारी किस तरीके देते हुए उदयपुर में, जोधपुर का यहां पर रुख कर लेते हैं। भवानी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। भवानी, जोधपुर में किस तरीके की आज हलचल देखने को मिल रही है? नामांकन का दिन है, नामांकन जो है दोनों ही छात्र संगठन की तरफ से क्या अभी तक किया गया है, क्या जानकारी? देखिए सुमित, आपको बता दूं कि छात्र राजनीति में और कैंपस की राजनीति में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिस दिन का इंतज़ार था कि आज से जो छात्र है वो नामांकन करने के बाद में विधिवत रूप से जो है चुनाव में प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरेंगे। हालांकि अभी तक की बात करें तो एपेक्स अध्यक्ष के साथ ही जो एपेक्स के विभिन्न पद हैं उन पर सभी जो राष्ट्रीय स्तर के छात्र संगठन हैं उनके सभी पदाधिकारियों की ओर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि इस बार जो जेएनयू का चुनाव है इसमें जिस तरह से पुलिस ने लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को लेकर के सख्ती की थी उसका असर यहां पर दिखाई दे रहा है और जो छात्र है, छात्र जो प्रत्याशी है उनको ही अंदर जाने दिया रहा है और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के केवल वो अपना आवेदन है जो चुनाव अधिकारी के समक्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि इस बार का जो यहां पर चुनाव होने जा रहा है उसमें त्रिकोणीय मुकाबले की बात सामने आ रही है। इधर एनएसयूआई ने हनुमान तरड़ को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है तो वो एबीवीपी त्रिवेंद्र पाल सिंह राठौड़ को अपना प्रत्याशी बनाया है और निर्दलीय के रूप में और एबीवीपी के बागी के रूप में जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हैं वीरेंद्र सिंह भाटी। तो पूरी तरीके से जो है तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन यहां पर दाखिल कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कुछ स्थितियां हैं। अशोक भाटी हमारे साथ अजमेर से यहां पर जुड़ रहे हैं, जीबीडिया संवाददाता अशोक, अजमेर की गतिविधियां क्या कुछ कह रही हैं आज के दिन को लेकर, जो तमाम प्रत्याशी उनकी तरफ से नामांकन का आज दिन है, दाखिल किया गया है क्या नामांकन और किस तरीके के दावे वादे जो हैं तमाम प्रत्याशी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं? अशोक
चलिए आवाज हमारे अशोक तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन सबसे बड़ी कवरेज जो है कैंपस पॉलिटिक्स को लेकर, छात्र राजनीति को लेकर, क्योंकि आज बड़ा दिन लगातार जी राजस्थान आपको यहां पर दिखा रहा है किस तरीके से आज नामांकन जो है तमाम प्रत्याशी दोनों ही छात्र संगठन खासतौर पर यहां पर अगर एबीवीपी और साथ ही साथ एनएसयूआई की बात की जाए तो अपने प्रत्याशियों को लेकर पहुंच रहा है, जहां पर साथ ही साथ जो तमाम प्रत्याशी हैं वो फूल मालाओं के साथ घोड़ों पर बैठकर जो है रवाना होते हुए नजर आए, जहां की तस्वीरें भी हमने कुछ देर पहले आपको यहां पर दिखाई। और खासतौर पर कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो आज सतर्कता कहीं ना कहीं बरत रहा है, जिससे कोशिश यही है कि लिंग दो कमेटी की तमाम जो सिफारिशें हैं, जो तमाम तरीके की कोशिशें हैं वो भंग ना हो और किसी भी तरीके की स्थितियां जो हैं वो गड़बड़ाती हुई नजर ना आए। और ये तस्वीरें भी इस वक्त यहां पर जहां तमाम प्रत्याशी जो है अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए, और इस वक्त ये जयपुर की सीधी तस्वीरें जहां पर एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन यहां पर दाखिल कर रहे हैं। सीधी ये तस्वीरें जयपुर के की सियासत के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें, छात्र राजनीति के लिहाज से जो अपना नामांकन है वो इस वक्त दाखिल यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि इस बार कोशिश दोनों ही छात्र संगठनों की ये है कि यूनिवर्सिटी कैंपस पर जो है कब्जा कहीं ना कहीं जमाया जाए और तमाम कॉलेज के अंदर झंडा जो है वहां पर अपना गाड़ा जाए। लेकिन आज ये स्थितियां किस ओर लेकर जाएंगी ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि छात्र राजनीति के लिए आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमाम प्रत्याशी अपने नामांकन जहां पर दाखिल करेंगे तो वहीं कल तक का वक्त होगा इनके पास कि अपना नाम जो है वापस दिया जा सके और नामांकन सूची जो है वो कल दाखिल यहां पर कर दी जाएगी। और किस तरीके से तमाम जो प्रत्याशी हैं इसके साथ जिस तरीके से हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया था कि दावे करते हुए नजर आ रहे थे, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और उस पर तमाम छात्रों को लेकर, उनकी तमाम आकांक्षाओं को लेकर कितना यहां पर ये खरा उतरते हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो वहीं अशोक हमारे साथ यहां पर जो हैं वो जुड़ गए हैं अजमेर से। अशोक, अजमेर के अंदर आज किस तरीके का दिन जो है वो बीत रहा है प्रत्याशियों के लिहाज से, क्योंकि बड़ा दिन है और प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन क्या किया गया है, किस तरीके की जो है आज तैयारियां और कैसी चौकसी जो है प्रशासन, कॉलेज प्रशासन जो है बरतता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अजमेर संभाग के सबसे बड़े जो कॉलेज है पृथ्वीराज कॉलेज, हम वहाँ खड़े हैं जहाँ पर एनएसयूआई ने अभी जो है नामांकन दाखिल कर दिया है और एबीवीपी की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। हम आपको सीधे तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, जो नामांकन के लिए विद्यार्थी है वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे निर्दलीय हों चाहे जो अन्य विद्यार्थी हों वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कॉलेज के अंदर जो है सभी का प्रवेश निषेध कर दिया गया है, केवल उन्हीं को अंदर आने दिया जा रहा है जो प्रत्याशी है या फिर उनके जो साथी हैं, एक एक साथी जो उनके प्रस्तावक है वो यहाँ पर रहेंगे। एबीवीपी के जो प्रत्याशी है उनसे बातचीत कर लेते हैं, किस तरह से आप ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? हमारे ये मुद्दे रहेंगे कि पहले तो यही है कि हमने जीसीए कॉलेज में आप सभी देख रहे हो तीन चार साल से कई कड़ी वो मेहनत से हमने वो कैंटीन के लिए मुद्दा उठाया था, तब जाके आज वो हो गया। और वाटर कूल के भी लिए हमने मुद्दा उठाया, वो भी हो गया। और भी छोटी छोटी मांगों को लेकर हमने मुद्दे उठाए, इस बार जीसीए कॉलेज में सभी मुद्दे पूरे हुए। आप महिला हैं, महिला सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा होता है, आप छात्र राजनीति में अब आगे कदम उठा रही, क्या मुद्दे आपके रहेंगे और अब यहाँ पे कॉलेज में क्या मुद्दे? कॉलेज के अंदर जो भी बाहर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ होती है उसके लिए हम महिला सुरक्षा कर्मचारी की मांग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके कारण उनके साथ जो हो रही छेड़छाड़ वो बंद हो जाए और हमारे एनसीसी के अंदर जो गर्ल्स के अंदर सीटें कम है उसे बढ़वाने की कोशिश करें। फोन कट गया। बिल्कुल, यहाँ पर जो तमाम कोशिशें हैं वो ये होंगी कि जो तमाम छात्रों की तरफ से मांग की गई है और जो ज्यादातर कैंपस की जो कोशिश है, तमाम जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं छात्रों की पूरी हो, ये वो तमाम वादे दावे होंगे जिस पर जो है छात्र आखिर किस ओर वोट करते हैं और प्रत्याशियों के जो वादे हैं उन्हें पूरा करने में वो कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, भरोसा आखिर किस पर यहाँ पर होता है, ये तमाम मुद्दे जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। ललित हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता ललित, आज आखिर किस तरीके से तमाम प्रत्याशी जो है नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँच रहे हैं और कितनी बड़ी चुनौती होगी आज के लिहाज से, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो दिन भी करीब आ रहा है जो सबसे बड़ी परीक्षा इनकी होने जा रही है? जी बिल्कुल सुमित, आपको बता दें कि जो एबीवीपी के अध्यक्ष पद प्रत्याशी हैं अमित बड़वड़वाल, वो इस समय अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीजी ऑफ जो स्कूल है उसके सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में नामांकन दाखिल किया जा रहा है। बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ यूनिवर्सिटी गेट से लेकर डिपार्टमेंट तक एक रैली निकाली थी, जिसके बाद अब ये नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो
उत्तम चौधरी है, एनएसयूआई के अध्यक्ष पद प्रत्याशी है, उन्होंने नामांकन दाखिल किया था और अब अमित बड़बड़वाल नामांकन दाखिल करने, नामांकन दाखिल करने का समय 3 बजे तक का है। 3 बजे बाद स्थिति साफ होगी कि दोनों ही संगठनों के जितने भी बागी हैं किस किस ने नामांकन दाखिल किया है। अगर बात करें नितिन शर्मा ने भी एबीवीपी से बागी होकर अध्यक्ष पद पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई के मुकेश चौधरी, अशोक फागड़ा और इसके अलावा अगर बात करें ओम प्रकाश पंडेर, उन्होंने भी निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं एनएसयूआई की एक बागी पूजा वर्मा ने भी नामांकन दाखिल किया है। तो सुमित कुल मिला के है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव एक बार फिर से बहुत रोमांचक बन गया है। बिल्कुल, बेहद रोमांचक जो है वो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, चाहे जयपुर की अगर हम बात करें या फिर कोटा की। और देखना यह है कि आखिर ये तमाम प्रत्याशी जो आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं ये कितना लुभा पाते हैं छात्र राजनीति के लिहाज से। तमाम छात्रों को बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु आपका, ललित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे बड़ी खबर के साथ, भीलवाड़ा से जहां पर एबीवीपी ने दोनों ही प्रमुख कॉलेजों में नामांकन किया है। बड़ी खबर इस वक्त की भीलवाड़ा से जहां पर एबीवीपी